हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेडिकेयर। तो आज हम बात करते हैं मिकस इंजेक्शन के बारे में। तो आज हम देखेंगे कि इस इंजेक्शन की यूज कहाँ पे करना चाहिए और कहाँ पे नहीं करना चाहिए और ये काम अब कैसे करता है इंजेक्शन। तो सबसे पहले अगर हम बात करें जो मिकसिन होता है, ये एक एंटीबायोटिक इंजेक्शन होता है और एंटीबायोटिक में भी एक एमाइनोग्लाइकोसाइड कैटेगरी होती है एंटीबायोटिक की, उससे ये बिलोंग करता है। बात करें अगर हम इसकी यूज़ की, तो इसका जो यूज़ करते हैं यूटीआई में यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो या पेट का इन्फेक्शन हो, जॉइंट इन्फेक्शन हो या ब्रेन इन्फेक्शन, जैसे कि मेनिनजाइटिस की जो ब्रेन की जो मेम्ब्रेन होती है उस पर इन्फेक्शन हो गया उसमें, और लंग्स इन्फेक्शन हो जैसे निमोनिया, इन सभी कंडीशन में इसका यूज़ करते हैं। और बात करें अगर इसके मोड ऑफ एक्शन की, तो ये काम कैसे करता है, तो ये बैक्टीरियल सेल्स के अंदर जाता है और वहाँ जाके प्रोटीन सिंथेसिस को रोक देता है, जिसकी वजह से जो बैक्टीरिया का न्यूट्रिशन उसको अच्छे से नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से उसकी ग्रोथ रुक जाती है और वो अल्टीमेटली ख़त्म हो जाता है। अगर बात करें हम इसके डोज की, तो इसके जो डोज होती है एडल्ट में 1000 से 1500 mg पर डे इसको ले सकते हैं। बात करें अगर हम इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशन की, तो इसको प्रेगनेंसी में अवॉइड किया जाता है, ब्रेस्ट फीडिंग और किसी को किडनी डिसीज़ हो उसमें इसको अवॉइड किया जाता है। और अब बात करते हैं अमिकसिन इंजेक्शन के साइड इफ़ेक्ट की। तो सबसे पहले इसका जो साइड इफ़ेक्ट होता है, इसके ओवर डोज से हियरिंग लॉस हो जाता है। परमानेंट तो होता नहीं है, लेकिन हाँ कुछ टाइम के लिए नहीं सुन पाते। और दूसरा जो है, जहाँ पे इंजेक्शन लगता है वहाँ पे पेन, रेडनेस, इन्फ्लामेशन उस जगह पे हो सकती है और ब्लड में यूरिया का लेवल बढ़ सकता है। जो हियरिंग लॉस होता है, इस साइड इफ़ेक्ट की वजह से इसको प्रेगनेंसी में इसको अवॉइड किया जाता है, क्योंकि अगर प्रेगनेंसी में इसको लेंगे तो जो बच्चा है उसको हियरिंग लॉस हो जाएगा, वो जन्म से ही बाधरी है, मतलब उसको डिफनेस होगा कि जन्म से ही वो अपना सुन नहीं पाएगा। ये था अमिकसिन के बारे में। धन्यवाद।